नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चना पूरी। मेरी बेटी की पसंद है ये, और उसके लिए मैंने इसमें नमक लिया था, थोड़ा नमक डाल दिया, और ये देसी घी है, ये डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और नॉर्मल पानी लेके टाइट सा आटा गूंद लेते हैं। बहुत दिनों से बोल रही थी चना पूरी खानी है, तो मैंने कहा चलो आज इसके लिए बना ही देते हैं। तो आइए बनाते हैं चना पूरी, और आप भी देखिए और अपने बच्चों के लिए बनाइए। ये देखिए, मैंने सख्त आटा गूंद दिया इसके लिए, थोड़ा इसमें अजवाइन डाली थी, ये ऊपर से थोड़ा देसी घी डाल देते हैं, इसमें लगा के थोड़ी देर ढक के इसको रख देंगे। ये देखिए टाइट गूंदा हुआ है मैंने, ना ज़्यादा इसके लिए सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, लेकिन ये जो नॉर्मल आटा रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ये टाइट ही गूंदता है। ये माफ़ करना यार, मैंने ना जल्दबाजी में पहले वीडियो बनी नहीं, तो मैंने इसमें प्याज डाली थी और टमाटर, और ये धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, और मिर्ची डाल दी थी कुटी हुई। ये मैंने एक आलू लिया है उबला हुआ, वो भी इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। मसाला जो टमाटर थे वो गल गए हैं, और ये इसमें मैंने चना मसाला डाला है होममेड। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास जो चने थे जो मैंने उबाल लिए थे वो उसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बस हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए, और उसमें देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से ये, और थोड़ी देर मसाला पकने के लिए रखा था छोलों के साथ। देखिए 10 मिनट बाद ये छोले हमारे ऐसे बन के आए हैं, रंगत देखिए इनकी बढ़िया से। जितने आपको तरी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मुझे आज थोड़ी कम चाहिए थी ग्रेवी, तो मैंने कम डाला है। थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया डाल देते हैं, थोड़ी कसूरी मेथी, और देखिए कितने बढ़िया से लग रहा ना, लगभग लगभग हमारे छोले बन गए हैं, तैयार हैं ये। अब इनको थोड़ी देर रखते हैं और अब आटे की तरफ चलते हैं। ये देखिए छोले बन चुके हैं हमारे, तैयार हैं, किसी दूसरी चीज़ में निकाल लेते हैं। दूसरा एक बर्तन लेके उसमें निकाल लें, ये मैंने छोले इसमें अलग से निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे को कढ़ाई चाहिए थी ना पूरी तलने के लिए। तो ये देखिए आटे की पूरी मैंने बना ली है, 8-10 बना के रख लिए, और अब इनको तलेंगे। ये देखिए एक दो आपको भी दिखा देता हूँ कैसे बेलनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हल्के हाथ से बेलिए, और बस तैयार। तेल हमारा गर्म है, मैंने पूरी छोड़ दी, ये देखिए बढ़िया से फूल गई है, कितनी बढ़िया से पूरी फूल के ऊपर आई ना, देखिए मज़ेदार लग रही है ना। बस ऐसे ही आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए, और आप भी खाइए। कभी कभार तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं खाने चाहिए, मोटे हो जाते हैं, तो कभी कभार खाइए, बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये देखिए हमारी चना पूरी तैयार है, और आपके लिए मैं यार इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन आप ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ यार प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, है ना, कुछ नहीं जाता यार शेयर करने में, तो कर दिया करो यार, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में आपके लिए, देखते हैं अब अगली बार मैं क्या लेके आता हूँ। और अभी मज़ा लेते हैं चना पूरी का, तो चना पूरी तो बहुत मज़ेदार बनी है, और
देखने में खाने में एकदम बढ़िया मस्त बनी है एकदम से, छोले भी एकदम गले हुए हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, तो मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। थैंक यू।